अगर आपको किसी भी बैंक, एनबीएफसी या वॉलेट से कोई शिकायत है तो इसकी कंप्लेंट आप सीधे आरबीआई को कर सकते हैं। आपकी कंप्लेंट किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोन, डिपॉजिट्स, मैनेजमेंट और स्टाफ से रिलेटेड। सो इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आरबीआई से कंप्लेंट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बैंक, एनबीएफसी या वॉलेट की कंप्लेंट आरबीआई को करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं और साथ ही अपनी कंप्लेंट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के लिए आप फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे, एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ये कैप्चा फिल करना है, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसको आप सुन भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जो कंप्लेंट कर रहा है उसका नेम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर वैलिडेट करेंगे। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप कंप्लेंट करने वाले की कैटेगरी चूज करेंगे, इंडिविजुअल, यहाँ पर एज डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, कंप्लेंट करने वाले का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, पिन कोड चूज करेंगे, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप इसमें से चूज कर लेंगे जिसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप नेम डालकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। अगर आप किसी बैंक ब्रांच की कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्रांच चूज कर लेंगे। इसके लिए आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसके बाद ब्रांच चूज कर लेंगे। इसी तरह से अगर वो एनबीएफसी या वॉलेट है तो उसका एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप जो कंप्लेंट करना चाहते हैं अगर वो पहले से ही इनमें से किसी अथॉरिटी के अंडर चल रही है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अगर कंप्लेंट किसी एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। अगर आपकी कंप्लेंट पर पहले ही एक्शन लिया जा चुका है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। अगर आपकी कंप्लेंट मैनेजमेंट के अगेंस्ट है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। अगर आपकी कंप्लेंट रेगुलेटेड एंटिटीज के बीच डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है तो इसको आप यस रखेंगे, वरना नो करेंगे। किसी रेगुलेटेड एंटिटी के स्टाफ की तरफ से अगर ये कंप्लेंट है तो यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। इन सबको आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, रेगुलेटेड एंटिटी के साथ अगर आपने कोई रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट फाइल की है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। जैसे कि अगर आप बैंक को पहले ही कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो इसको आप यस कर देंगे। यहाँ पर आप डेट चूज कर लेंगे, किस डेट को आपने फर्स्ट कंप्लेंट की थी, और यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के लिए आप उस फाइल को स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। वहां से कोई रिप्लाई मिला है या नहीं मिला है इसको आप यस या नो करेंगे। अगर आपने उन्हें कोई रिमाइंडर सेंड किया है तो आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट की आप डेट यहां पर डालेंगे। अगर आपकी कंप्लेंट किसी वॉलेट के अगेंस्ट है तो इसको आप यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। कंप्लेंट अगर एटीएम, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग है तो यहां पर आप उनका नंबर डाल देंगे। अगर किसी लोन या डिपॉजिट से रिलेटेड है तो आप यहां लोन नंबर या डिपॉजिट नंबर डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको कंप्लेंट की बाकी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आप कंप्लेंट कैटेगरी यहां पर चूज कर लेंगे। नोट्स या कॉइन से रिलेटेड आप ये चूज करेंगे तो यहां पर आप कोई भी एक कैटेगरी चूज कर लेंगे जिससे रिलेटेड आपकी कंप्लेंट है। इसके बाद सब कैटेगरी चूज करेंगे, सब कैटेगरी 2 यहां पर चूज करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपनी कंप्लेंट की डिटेल्स डालनी है, तो इसके लिए आपको 2000 कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप यहां 2000 कैरेक्टर्स में अपनी कंप्लेंट टाइप कर सकते हैं। अगर पहले से टाइप की हुई है तो आप कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आपकी शिकायत से रिलेटेड अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट या फोटो है तो उसको भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। आप फाइल सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। अगर आप अपने बिहाफ पर किसी और को ऑथराइज करना चाहते हैं तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। लेकिन अगर आपको ये खुद करना है तो इसको आप नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी डिटेल्स आपने फिल की है बिल्कुल सही है। इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी डिटेल्स आ जाएगी। आप एक बार सही तरीके से चेक करेंगे, अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और साथ ही एक कंप्लेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके रख लीजिए। अपनी कंप्लेंट को पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए नीचे आप डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में इसमें मिल जाएगी। इसके बाद अपनी कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आप ट्रैक योर कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपकी कंप्लेंट का स्टेटस आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स में देखने के लिए आप अपने कंप्लेंट नंबर पर क्लिक करेंगे।
तो आपके सामने आपकी कंप्लेंट की पूरी डिटेल्स आ जाएगी और साथ ही यहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं। सो इस तरह से अगर आपको किसी बैंक NBFC या वॉलेट से कोई शिकायत है तो पहले आप उनको कंप्लेंट करेंगे। आप उनको ईमेल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं और बाय पोस्ट भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप एक महीना वेट करेंगे। अगर एक महीने तक वो आपकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो आप यहाँ RBI को सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।